Janabi Speaker, politics are silent today, and we stand in solidarity with the government and with the nation of Pakistan. And we stand as one nation under God. एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है मुस्लिम दुनिया के लिए सोच का दिन है आज जनाब स्पीकर हम पलस्टाइन के साथ कश्मीर के साथ हमेशा से यूनिटी का इजहार करते चले आ रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ये इजहार करते चलेंगे सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेशनल लॉ को किसी ने वायलेट किया है तो वो इज़राइल है और इसके बाद इंडिया है मुस्लिम दुनिया ने न सिर्फ ये कि कंडमनेशन की है बल्कि खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक मुस्लिम दुनिया ने यह भी सोचना है कि अगर इज़राइल के पास इतना फ्री हैंड है कि वो वार अपने हिसाब से शुरू करता है और अपनी ही स्केल पे ख़त्म करता है और 40,000 बेगुनाह निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम करता है आज तक ये एक सोचने का मुकाम है कि क्या ये मुस्लिम दुनिया ज़्यादा कमज़ोर है या इसराइल ज़्यादा मजबूत है मेरा ख्याल है मुस्लिम दुनिया ज़्यादा कमज़ोर है आज तक एज अ नेशन ये इतना बड़ा अहम है बट एज अ नेशन हम इसराइल को सही जवाब नहीं दे सके एज अ नेशन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मुसलमानों की वो एक पॉइंट पे जमा नहीं हो सकी मुस्लिम दुनिया जहां भी है आज तक इवन मुस्लिम दुनिया अपनी कोशिश करके सीज़फ़ायर नहीं करा चुकी मुस्लिम दुनिया कोशिश करती रही लेकिन मुस्लिम दुनिया को यह भी सआदत हासिल नहीं हुई कि इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया तो वो भी अफ्रीका वाले इसको लेके गए कोई मुस्लिम दुनिया उसको नहीं ले जा सकी यूरोप और अमेरिका में भी सबसे बड़े सिविल सोसाइटी ने रैलीज निकाली वो एक रैलीज निकाली और वो एक रैलीज थी सिविल सोसाइटी के जो इसराइल के खिलाफ है मुस्लिम दुनिया में अगर रैली निकाली गई तो वो किसी पार्टी किसी फिरके किसी सख्त की रैली थी किसी मुसलमानों की रैली देखने में नहीं आई अगर ऐसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इसराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा और जितनी जल्दी कर सके हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे यूएन में अपना ब्लॉक बना ले और ओआईसी को मजीद मजबूत कर ले आल्दो पॉलिटिक्स नहीं करनी लेकिन यही पॉलिटिक्स है दुनिया का एक ही लीडर था जिसने एक ही महीने के अंदर एक ही साल के अंदर 3 ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस बुला ली मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी है कि कोई एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकी मौजूदा हुकूमत कन्वीन नहीं कर सकी और इसी तरह सारे मुसलमान दुनिया में ऐसा ही हालत रही है जनाब स्पीकर अगर मुस्लिम दुनिया की यह हालत कंटिन्यू करेगी तो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से पलस्टाइन आजाद नहीं होगा टू स्टेट थीरी कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी दो स्टेट कभी मारज वजूद में नहीं आ सकेंगे हर वक्त सिर्फ इसराइल होगा इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है लेकिन मुस्लिम दुनिया में अपना रोल प्ले करने के लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा जनाब स्पीकर मैं इस वक्त आपके नोटिस गुजार कराऊंगा एक चीज बहुत जरूरी है और वो इसलिए कि लास्ट टाइम आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला एंड बाय देन जनाबे प्राइम मिनिस्टर साहब जा चुके थे जनाब स्पीकर सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इसराइल के खिलाफ हम यकजहत हो जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इसराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक नहीं बनता कितने औरती हैं यह आपकी हुकूमत का सरचश्मा होगा और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में इंटरनेशनल कम्युनिटी आप यूएन के प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी जनाब स्पीकर प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी
कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, सबसे ज्यादा जबरी गुमशिदगियां हुई है। ये मैं एक पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूँ सिर्फ जनाबी स्पीकर, मैं वजीर आजम साहब के नोटिस में, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा, अगर ये हमारा इस ईवान का मेंबर ना होता तो उसके लिए। और जनाबी स्पीकर, यही ये फोरम है जो हम चाहते कि मजबूत हो। इस फोरम में बात ना करे तो कहाँ करे, और अगर ऐसी बात हो जाए तो वो जरूर दिल पे लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर पास किया था, उसमें वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मानी गई थी। इशू इस पे आपने बात कर ली जनाब स्पीकर, इस पे मैं सिर्फ देखे, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेपरेटली मांगा, आपने कहा इसके साथ ले ले, तो काइंडली प्लीज। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 3 जनवरी 2024 को, वजीर आजम से जनाब अटॉर्नी जनरल की वसातत से एक अंडरटेकिंग मांगी, वो चाहे इसका प्रेडिसेसर था या वजीर आजम साहब खुद थे, इस ऑफिस का बड़ा एहतराम है हमें। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंश्योर करे आज के बाद किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा मगर वो जो कानून के मुताबिक हो। जबरी गुमशुदगियां आज भी जारी है। जनाबी स्पीकर, ये आपके सामने हमारे हाजी इम्तियाज साहब है, ये इस हाउस का मुअज्जज रुकन है। आपके सामने हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज इस ईवान में वो प्रोड्यूस नहीं हुए, उसको रातों रात गायब करवाया गया है। ये अगर गुमशुदगियां पुलिस कस्टडी, वो कस्टडी में नहीं है, मेरे पास इन राइटिंग आ गया है। दे जनाब स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जनाब स्पीकर, हम ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, बट हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने रूल अपना रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, आप हमारे लिए इतनी ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर है। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है, आईन ने यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी है। जी। मैं वजीर आजम को तो रिमाइंड करा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ली, आपका ऑफिस हमें वो जरूर बता दे कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। हम में से किसी के खिलाफ अगर कोई केस है, हम कानून को पेश करेंगे। हमारे लीडर के खिलाफ 200 केसेस आए और 300 मरतबा वो अदालतों में पेश हुए, हम अदालतों से भागने वाले नहीं है, लेकिन ये जबरी जमशदियां खत्म हो। जी, इस पे आप जवाब दे दे। और ये प्रोडक्शन वाला, हम कह रहे हैं कि अगर इसराइल के साथ खड़े होना है तो हमने आपस में भी ऐसा डिवाइड पैदा नहीं करना। शुक्रिया जी, मैं जवाब दे दूंगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आगे देख